जय हिंद मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां लोगों की मददगार होती है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी असावधानी हमारे आप सबके अकाउंट को खाली करा सकती है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में सरकार ने कौन सा अलर्ट जारी किया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सीईआरटी इन की रिपोर्ट के मुताबिक रैन समवेयर वायरस ईमेल के माध्यम से फैलता है। आईएसएमई ईमेल यूजर्स को सावधान रहना होगा। रैन समवेयर वायरस के जरिए यूजर्स के बैंक अकाउंट में सिद्धमारी की जा सकती है। सीईआरटी इन ने 21 दिसंबर को वायरस को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कैसे करता है काम, इसको हम जानते हैं। नए रैम समवेयर वायरस को विंडो कंप्यूटर यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह वायरस ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है। इसके बाद वायरस पीसी का कंट्रोल हैकर्स को दे देता है। हैकर्स पीसी को रिमोटली लॉक कर देते हैं। हैकर्स की तरफ से पैसों की डिमांड की जाती है। डिमांड बिटकॉइन में भी की जा सकती है। यूजर्स की ओर से पैसे ना देने पर जरूरी फाइल्स को डिलीट कर दिया जाता है, साथ ही कंप्यूटर को डिफेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर का डेटा लॉक हो गया और स्क्रीन वॉलपेपर को रैंसम अर्थात फिरौती नोट से बदल दिया गया है, तो समझ लें कि आपका डेटा अब सुरक्षित नहीं है। इससे हम सब कैसे कर सकते हैं बचाओ? हमेशा प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को नए वर्जन के साथ अपग्रेड रखें। पर्सनल नेटवर्क को कमर्शियल कामों से अलग रखें। इसके लिए फिजिकल कंट्रोल और वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर्स को बिना जरूरत अपने रिमोट डेस्क प्रोटोकॉल RDP को डीएक्टिव करना चाहिए। साथ ही जरूरी होने पर एक सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल और रन के लिए यूजर्स परमिशन को ब्लॉक करें। यह सब चीजें हैं, अगर हम सतर्क रहेंगे तो जो कुछ भी आपके अकाउंट में धन है वह सुरक्षित रह सकता है। यह सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। असावधानी होगी, दुर्घटना घटेगी और ईमेल के माध्यम से बैंक अकाउंट आपके हमारे सबके खाली हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी के साथ हम अपनी बात यहीं पर पूरी करते हैं। जय हिंद।